MJY002 Question 1 सिद्धांत ज्योतिष का विस्तृत परिचय दीजिए। आंसर, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 3 प्रमुख स्कंद हैं, सिद्धांत, संहिता तथा होरा। ग्रह साधन की जिस प्रक्रिया में ग्रहों का गणित कल्प को आधार मानकर किया गया हो उसको हम सिद्धांत कहते हैं। ग्रह गणित करने हेतु ज्योतिष परंपरा में 3 प्रकार की प्रक्रिया को स्वीकार किया गया है, सिद्धांत, तंत्र तथा करण। सिद्धांत ग्रह साधन की वह प्रक्रिया जिसमें कुलपति से काल गणना कर ग्रह साधन किया जाता है। तंत्र ग्रह साधन की वह प्रक्रिया जिसमें युगादि से काल गणना कर ग्रह साधन किया जाता है। करण ग्रह साधन की वह प्रक्रिया जिसमें अष्टशक से काल गणना कर ग्रह साधन किया जाता है। सिद्धांत की विस्तृत परिभाषा भास्कराचार्य द्वारा इस प्रकार दी गई है, जहाँ त्रुटि अर्थात काल का सबसे छोटा मापक से प्रारंभ कर प्रलय अर्थात काल का सबसे बड़ा प्रमाण कल्प पर्यंत काल की गणना हो, क्रम से मान सभेद वर्णित हो, ग्रहों की गत्यादि निरूपित हो, व्यक्त अथवा अव्यक्त दोनों गणित से युक्त प्रश्नोत्तर, भूमि तथा ग्रह नक्षत्रों की स्थिति तथा ग्रह नक्षत्र से संबंधित यंत्रों का वर्णन जिसके अंतर्गत किया गया हो वह सिद्धांत कहलाता है। सिद्धांत वस्तुतः ग्रह गणित से संबंधित सभी विषयों का वर्णन करता है तथा ग्रह का स्पष्टीकरण कर हमें एक स्वरूप प्रदान करता है, जिसका सदुपयोग हम संहिता एवं फलित या होरा ज्योतिष में करते हैं। आचार्य भास्कर ने कहा है कि हाथियों की गर्जना एवं घोड़ों से रहित राज्य की सेना, आम वृक्ष से रहित सुंदर बगीचा, जल से हीन सुंदर तालाब, पति के परदेश रहने पर नूतन वधु जिस प्रकार सुशोभित नहीं होती, उसी प्रकार सिद्धांत शास्त्र से हीन दैवज्ञ भी सुशोभित नहीं होता। सिद्धांत ज्योतिष को विषय की दृष्टि से व्यक्त अव्यक्त गणित के अतिरिक्त 3 विषयों में विभाजित किया गया है, ग्रह गणित, खगोलीय गणित तथा भौगोलिक गणित। ग्रह गणित सिद्धांत ज्योतिष का समग्र चिंतन ग्रह गणित पर ही केंद्रित है। ग्रह गणित में 3 प्रमुख खंड हैं, मध्यम ग्रह, स्पष्ट ग्रह, स्पष्टादि संस्कार। इसमें ग्रह भगण, आहार गण, कुदिनादि मान मध्यम ग्रह के अंतर्गत आते हैं, मंद फल, शीघ्र फल स्पष्ट ग्रह के अंतर्गत आते हैं, देशांतर, चरांतर, भुजांतर, उद्यांतर स्पष्टार्थ संस्कार के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार स्पष्ट ग्रह के साधनार्थ मध्यम एवं स्पष्ट ग्रहों का अंतर जन्य फलों का अनेक प्रकार से साधन करते हुए इनका यथाविधि संस्कार किया जाता है, जिससे ग्रह गणित कार्य संपन्न होता है। खगोलीय गणित के अंतर्गत वे विषय आते हैं जिनका पूर्णतया संबंध सिद्धांत ज्योतिष से है, ग्रहण, नक्षत्र गणना, ग्रह एवं नक्षत्र युति, उदया अस्त साधन, महापातदे गणित, दृश्य ग्रह साधन। ये विषय खगोलीय गणित के अंतर्गत आते हैं। ग्रहण का साधन एवं इसकी गणित एवं वैज्ञानिकता का आकलन हमारी ज्योतिष को देन है। जब संसार को ग्रहों के बारे में ज्ञान नहीं था, तब से हमने सैद्धांतिक गणित के सूत्र को आर्यभट्ट आदि से प्रारंभ कर अब तक देते आ रहे हैं। अमावस्या को सूर्य ग्रहण तथा पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण स्वरूपों जैसे खंड ग्रहण, पूर्ण ग्रहण, खग्रास ग्रहण एवं वल ग्रहण आदि का उल्लेख हमारे सिद्धांत में प्राप्त होता है। नक्षत्र गणना जिन पिंडों में स्वयं की गति का अभाव हो वे नक्षत्र कहलाते हैं। वस्तुतः आकाश में अनेक ताराएं विद्यमान हैं तथा तारों के समूह को नक्षत्र की संज्ञा दी गई है, इसलिए क्रांति वृत्तीय परिभाग को 27 भागों में बांटकर 27 नक्षत्रों की परिकल्पना खगोलीय स्थिति को जानने के लिए की गई है। ग्रह एवं नक्षत्र युति प्रवर ऋषियों ने 2 या 2 से अधिक ग्रहों के एक राशि पर स्थित होने पर युति, युद्ध एवं समागम आदि को परिभाषित स्थितियों को प्रतिपादित किया है।
कितने दिन पहले युति हुई तथा कितने दिन बाद पुनः संभावना है, इसकी चर्चा गंभीरता से की गई। उदयास्त साधन जब कोई ग्रह क्षितिज के ऊपर चला जाता है तो उसे उदय तथा जब वह क्षितिज से नीचे चला जाता है तो उसे अस्त की संज्ञा दी जाती है। परंतु खगोलीय प्रकरण में जब कोई ग्रह सूर्य के साथ होता है तब हम उसे अस्त की संज्ञा देते हैं। ग्रह सूर्य जितने अंश पूर्व में रहने पर अस्त होते हैं उतने अंश आगे जाने पर उदय हो जाते हैं। महापातादि गणित। महापात वस्तुतः पात ही है जिन्हें क्रांति साम्य की भी संज्ञा दी जाती है क्योंकि इनके निर्माण में क्रांति का बराबर होना आवश्यक है। दृश्य ग्रह साधन। यद्यपि स्पष्ट अधिकारांत संस्कृत ग्रह हमारे अन्य पंचांग उपयुक्त कार्यों के लिए जरूरी है परंतु ग्रहण उदय अस्त वेद आदि के लिए दृश्य ग्रह जरूरी माने गए हैं। भौगोलिक गणित। क्योंकि धरती स्थित मनुष्य गण ग्रहों एवं खगोलीय पिंडों के परिवर्तन का प्रभाव भूमि पर ही विश्लेषित करते हैं इसलिए भौगोलिक विशेषताओं का ज्ञान बहुत जरूरी है। भौगोलिक परिक्षेत्र में दिग देश काल भूगोल अहोरात्र विविधमान आदि विषय समावेशित हैं। दिग वह है जिससे हमें पूर्व आदि दिशाओं का ज्ञान हो जाता है। सिद्धांत ज्योतिष में दो प्रकार से दिक का ज्ञान बताया गया है, स्थूल दिक तथा सूक्ष्म दिक। देश विचार। ज्योतिष के सिद्धांत में देश का मतलब है स्थान। किसी भी स्थान के ज्ञान के लिए दो मानक जरूरी हैं, अक्षांश व देशांतर। काल विचार। काल का अर्थ है समय। सिद्धांत ग्रंथों में त्रिप्रश्न अधिकार के अंतर्गत दिक देश एवं काल का ज्ञान ही महत्वपूर्ण माना गया है। भूगोल। भूगोल स्वरूप वस्तुतः समग्र खगोलीय घटनाओं के लिए गणनाओं का केंद्र भूगोल ही होता है। हम भूमि के ऊपर बैठकर ही समस्त आकाशीय स्थितियों का ज्ञान लेते हैं। अहोरात्र। अहोरात्र सिद्धांत ज्योतिष के अंतर्गत दिन रात्रि के प्रमाण एवं स्थान भेद के अंतर से को बड़े ही सूक्ष्म रूप में बताता है। देवताओं के दिन रात्र प्रमाण तथा उनके आधार पर ध्रुव प्रदेशों में दिन रात्रि प्रमाण, ब्रह्मा के दिव्य प्रमाण एवं आयु की चर्चा भी सिद्धांत ज्योतिष में ही प्राप्त होती है। विविध मान आदि। यद्यपि 9 प्रकार के कालमान की चर्चा ज्योतिष में सर्वत्र उपलब्ध है परंतु इसके अतिरिक्त अनेक कालमानों की अपरोक्ष चर्चा भी प्राप्त होती है। आज की वैज्ञानिक पीढ़ी भी भारतीय सिद्धांत ज्योतिष को आधार मानती है। इसमें निहित ज्ञान चमत्कारिक है। गणितीय ग्रह गणना का संप्रयोग आज कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग में किया जाता है। इसमें वर्णित सभी विषय पूर्णतया वैज्ञानिक हैं। सिद्धांत ज्योतिष ही अन्य दो स्कंधों संहिता एवं होरा का आधार है। धन्यवाद।